क्षीर किणुंट कि जदि आप क्षीर किणुंट तेज सावधान रुहतु क्षीर किणवापे सावधान रुहतु कहीं कटक जगतपुर आसी एक सांघातिक खबर जहां आपण को आश्चर्य करे तेरे कस्टिक सोडा और लुण मिसाई क्षीर ताला एभली एक खबर जो आसी जहाँक आश्चर्य प्रकाश करमी सोढ़ा लुण मिसाई क्षीर या कटक जगतपुर अंचल एक क्षीर फैक्ट्री रेड बेले एभली कथा सामनाक आसी मिल्क पाउडर में पा मिसाई या क्षीर एठार प्रस्तुत होता क्षीर दही और लसी चौदवार केन्द्रापड़ा अंचल को क्षीर जाऊला दीर्घ सात मस एमती नकली क्षीर तैयारी चलता पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग मिलित चढ़ाऊ में एभली घटना सामनाक आसी चढ़ाऊ बेले आउ एक कथा जमापड़ी कि स्टोरेज सठिक नाला ब्रांड पर अनुमति नाला कंपानी मालिकों अटक रखी पचरा उचरा कर जांच लैब को पठा स्वास्थ्य विभाग पक्ष जो आप देखिपी जो फैक्ट्री वर्तमान समय सिल कर आपण मार्केट में जो लसी पीता निश्चित भाव में ये अमृत ना विष आप जितेबले अमृत ना विष जितेबले क्षीर मिल्क पाउडर केमती क्षीर दही लसी ए सब प्रस्तुत कर सबुठ बड़ कथा कि सात मस एमती नकली फैक्ट्री चलता किंतु कहीं जापर क्षीर तैयारी यूनिट आप देखु ये जो क्षीर बर्तमान समय आसी जहाँ विष आम कहपर जो विष को समस्त देखिए कि खाऊ लसी तो मार्केट में यह सब लसी उपलब्ध होता बर्तमान समय रेड बेले यू तथ्य सामनाक आसी नकली लसी दही यू सामग्री जबत हो पूरा यूनिट को सिल कर सबुठ बड़ कथा कि सात मस हे ये जो फैक्ट्री चली मालिक को वर्तमान समय अटक रखा जाधिक पचरा उचरा कर जो क्षीर ता सहित लसी दही प्रस्तुत कर कटक विभिन्न दुकान को सप्लाय कर सहित केन्द्रापड़ा को जहाँ सूचना अच्छी सप्लाय कर दिगरे अधिक अनुसंधान जारी रही अनेपटे स्वास्थ्य विभाग पक्षर आपको लैब को पठा तो क्षीर किणी आपड़ी क्षीर किणुंट आपड़ निश्चित भाव में खबर जाणि रखा आवश्यक और अधिक सावधान रुहतु चराइजिंग यूनिट रहा कथा ना अनहाइजेनिक कंडीशन अच्छी जो फूड लाइसेंस दिखाई से लाइसेंस जहाँ जहाँ कंडीशन अच्छी से फॉलो करूना एवं पैकेजिंग एंड लेवलिंग जोटा अच्छी जहाँ नियम ताकू से फॉलो करना वेट एंड मेजर कथा ना ये जो केमिस्ट रहा कथा ना जो पा जो टाइप रिशा हो स्कीम्ड मिल्क जोटा कि आप क्षीर यूनिट नर्माली क्षीर कलेक्शन करके पाश्चराइजेशन कलापर सिलिंग पैकिंग करके पठा जा कथा से ये स्कीम्ड मिल्क पाउडर आणिकी बाहर पानी में मिसे नर्माल पानी में मिसेकी से पैकेजिंग करके छाड़ सो तेणु ये जहाँ सब एत अनियमितता अच्छी बर्तमान चली चढ़ जेहेतु आम एटा छोट पिला खाऊंट रोगी खाऊँ सीनियर सिटीजन ओल्ड एज खाऊँ तेणु जेहेतु ये आम पार्टी बाटे खाऊ विभिन्न डिजीज आप देखो आपणकर हेपाटाइटिस जोटा जंडिस हेपाटाइटिस मैंने जोटा कोलाइटिस क्रोनिक डिसेंट्री आप डायबेटिक्स नेफ्राइटिस ऑल आपण जतक मारात्मक रोग द्वारा संक्रमित होवार चांस अच्छे शुणुले प्रतिक्रिया जितेबाला रेड बेले सबू तथ्य सामनाक आसी जितेबाला कटक जगतपुर सांघातिक खबर आसी आम पूर्वर कटक्रु अनेक देखिए कि अपमिश्रण खबर आसे कितने चढ़ाऊ हेले भी सेत देखिए कि सरुनी पुणी एभली सांघातिक कथा सामनाक आसी केत मिल्क पाउडर आप देखु क्षीर प्रस्तुत करमी ना कस्टिक सोडा और लुण मिसाई क्षीर करवतु यह शरीर पर कते क्षतिकारक यह सांघातिक रोग आनीदेपे यही भाव में अपमिश्रण कर जो क्षीर को छोट पिला आरंभ कर सबु वर्गर लोक मैंने खाती तो केवल विष दि जाऊला नवेश महांती आम प्रतिनिधि आम सहित लाइव जोड़ी होती नवेश ये अत्यंत सांघातिक खबर जो क्षीर को अमृत कहा जाए जहाँ को छोट पिला आरंभ कर वयस्कों पर्यंत समस्ते खाती कितु ये अमृत ना विष बिक्री कर एक सांघातिक खबर आश्चर्य लगुच सात मस है चली नकली फैक्ट्री को अंचल को सप्लाय करमी बर्तमान समय तथ्य सामना को आसला और फैक्ट्री मालिक कौन बर्तमान सुधा तथ्य आसला देखो जदि प्रथम प्रथम आपंकर प्रथम प्रश्न उत्तर देवा चाहिए तेज क्यों क्यों अंचल को यह सप्लाई होता जहाँ पुलिस इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौच
चौद्वार एवं केन्द्रापड़ा जिलार विभिन्न स्थान को यह सप्लाई कराला लोकाल मार्केट में बिक्री कराला ब्रांडर ना था रोहिणी एवं ये रोहिणी ब्रांडर क्षीर विभिन्न स्थान को सप्लाई कराला पाखापाखि सात मस है ब्रांड में क्षीर प्रस्तुत होता देखो आपे तो ना देवानी जब आम बड़ बड़ कंपानी कथ कह जो मैंने कि क्षीर कि दुग्धजात सामग्री प्रस्तुत कर लसी रही राबिड़ी रही किंबा अन्यान्य जो सामग्री रही पनीर रही एगुड़ा बड़ बड़ जो कंपनी तैयारी करती प्रॉपर्ली गोटे पाश्चराइजिंग यूनिट थाए एवं प्रॉपर्ली से करती फूड सेफ्टी समस्त नॉर्म से माने पालन करते कारण यहाँ करोड़ सब टकर गोटे गोटे मेसीन रही कि व्यक्ति जनक आतटारे जहाँ कर जगतपुर अंचल जहाँ कर मात्र किसी लक्ष टकर किसी पैकिंग मेसीन आनी जमी आम देखुलू जो गुड़का जमी प्राय पैक होता से ही पैकिंग मेसीन आनी तैयारी करूँ केमी क्षीर को से किसी गाई क्षीर असली क्षीर आणुते परिमाण बहुत अल्प था भितर से कस्टिंग पाउडर पकाते लुण पकाते कि गुंड क्षीर जहाँकि कहुए पाउडर क्षीर ताकू आणुते मिसेक या क्षीरटी या जो कस्टिंग पाउडर और लुण मिसार कारण हूँ क्षीरटा टी बहिया हे पानी जमीगुड़ी पकड़े पाटी अल्प क्षीर पकड़े बहिया हुए से पानी क्षीर को बहिया करवाई प्रस्तुत करगुड़िक प्रपरली जमी पाश्चराइज हवा कथा ता बिलकुल करीर प्रोसेसिंग मिल्क प्रोसेसिंग रो जो व्यवस्था रही कि बड़ बड़ कंपनी मैंने फलो करते बिलकुल भी नाला ओजन मापर व्यवस्था ता ना के क्वांटीटी आदि रोचे से नहीं किसी व्यवस्था ये जानापी ना एवं जब कह विभिन्न मार्केट को पठा जाता स्वतंत्र गोटे चेन से मालिका प्रस्तुत करते से ही चेन रे क्षीर गुड़िक विभिन्न स्थान को जाऊला और सी बिक्री होता बड़ कथा हूँ स्वागतिका आप जाणी मर्मायित हे सान सान पिला कुनी कुनी पिला रोगग्रस्त महिला यही क्षीर को सेमाने कंज्यूम करिसेंती जहाँ इनिशियली जना पड़ुछि तेणु से मानकर शारीरिक क्षति केते मात्रा रे थिबो आपण एतु अनुमान करि पार्थबे सान सान पिला को जहाँ पुलिस सूचना देछि कंज्यूम करिसेंती तबे केउ माने क्षीर को कंज्यूम करिसेंती केते दिन धरि कंज्यूम करिसेंती के सीधा सळक ग्लास रे भरी पीछंती उसुम करी कि ताकू चा आकार रे तयार करिसेंती किबि यार जो मिल्क प्रोडक्ट रहउछि लस्सी दही रो इत्यादि सेगुड़ व्यवहार करते खराब प्रभाव यार गोटे ह्यूमन बॉडी पर पड़ आपण यार कल्पना भी करें पुलिस बहुत माफी चुपी आज प्रतिक्रिय देखिए कमिश्नर पुलिस गुरु दायित्व रही क्यों क्यों जगह को जाता एगुड़िकी स्टोर अच्छी सेठी केमती रिकवर करमी नष्ट कि मूल कथा हूँ बहुत कम परिमाण परिमाणर एटी क्षीर प्रस्तुत होता से क्षीर गुड़ी तुरंत डिस्ट्रब्यूट कराला एटी जमी आम कह पाश्चराइजिंग यूनिट ना यार स्टोर करने जमी व्यवस्था रहा कथा गोटे मिल्क प्रोसेस यूनिट्रे ना थंडा करने क्षीर को जो डिग्री टेम्परेचर दरकार ता ना पैकिंग समय जो हाइजेनिक मेंटेन करा कथा ता ना बड़ बड़ प्लास्टिक जार गुड़िकर एगुड़िक क्षीर को फेंटिकी मैंने पैक करते अति प्रतिगंधमय परेश क्षीर को प्रस्तुत करा को देखिकी पुलिस अधिकारी और निजे स्वास्थ्य विभाग अधिकारी डॉक्टर सुब्रत महापात्र से मध्य आश्चर्य और चकित हो गले जदि आम ये घटना कथा कह गोटे आई ओपनिंग घटना पान करबा को समस्त छोटो पिला को आरंभ करकी वयस्क पर्यंत समस्त क्षीर तो किंतु केवल अमृत ना क्षीर ना विष दि जाऊला लोक जीवन सहित खेल खेला जाऊला तो यह कौन कहते कहीं एक कहुई कि लैब को टेस्ट स्वास्थ्य विभाग पक्ष कह पठाजी तो निश्चित भाव में दृढ़ कार्यानुषान आवश्यकता रही ए क्षेत्र में तो बर्तमान से दिग्वे छानबीन केत दूर गला जो मैंने रही विशेषज्ञ प्रथम तो हूँ जी मालिक यही कंपानी आक्यूज अच्छी जगतपुर थाना पुलिस अटक रखी पचराउचरा करुच्चे कौन सी प्रकार कागज पत्र नहीं केवल ताखे ट्रेडिंग लाइसेंस टे अच्छी बाकी ता छड़ा कि नहीं भेरीफाए कर ट्रेड लाइसेंस टा जेन्युइन अच्छी ना फेक अच्छी द्वितीय कथा रहा प्रति सांपल क्षीर सांपल नि दहीर सांपल नि पनीर सांपल नि अन्न्य जो सब दुग्धजात सामग्री प्रस्तुत होता प्रति सांपल नि सांपल को परीक्षा पाई लैब को पठा जाए कहवाजे तथाकथित मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट
ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି କ୍ଷୀର ଯାଉଥିଲା, କିଏ ନେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା, 6-7 ମାସ ଧରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା। ଯଦି ଦିନକୁ 100 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଥିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର କ୍ଷୀରକୁ ବା ବିଷକୁ ସେ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯିଏ ବି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିବେ ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେ ଦିନ ଧରି ରୋହିଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଏ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ୟାଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ତା'ଠୁ 3-4 ଟଙ୍କା ଏ ଦାମ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଭୁଲ ତ ନିହାତି ଏବେ ରହିଛି, ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯିଏକି କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ରହିଛି। ଶସ୍ତାରେ କ୍ଷୀର ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ 2-3 ଟଙ୍କା କମ୍ରେ ବଜାର ଦର ଠାରୁ ମିଳୁଛି କ୍ଷୀର, ତାକୁ ଆଶା ରଖି ସେମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ISO ଲୋଗୋ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ISI କିଛି ମାର୍କ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଟକ ଜଗତପୁର ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭେଜାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ଦେଖିବା କି ଯେତେ ରେଟ୍ ହେଉଛି ତାପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀମାନେ ଚେତୁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ହଳଦୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଦେଖିବା କି କ୍ଷୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଷ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ଯେତେ ଦେଖିବା କି ରେଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ପ୍ରକୃତରେ 7 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଏଭଳି କରୁଥିଲେ ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସ୍ୱାଗତିକ ଆମେ ଅବଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କ୍ଷୀରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର ପଠାଯାଉନଥିଲା, ବରଂ ଏହାକୁ ଯାଜପୁର ପଠାଯାଉଥିଲା, ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏବେ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଏବଂ ଏବେ ନିହାତି ଏବେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଛି, ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରିସର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଲମ୍ବା ହେବ ଏବଂ ସେତେ ଅଧିକା ଲୋକ ଏହାକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବେ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହି କାରବାରରେ ଯେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବା ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠୁ ସିନା କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କ୍ଷୀର ବଜାରକୁ ଯିବ, ସେ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯାଜପୁରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଯାଉଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କ୍ଷୀର ପିଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦିହାନରେ। ତ କେବଳ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ବିଷ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦିଗରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କେମିତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନବେଶ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା କମିଂ ଅପ୍ ର ପ୍ରାୟୋଜକ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ।